अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं, इसके लिए पहली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपने जो है एक डेटा, आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को जो है वो डेवलप करना है। किस तरह? न्यू पे जाके वेबसाइट पे जाएंगे आप। वेबसाइट पर जाने के बाद ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जो कि मैंने तो की है। उसके बाद आपको जो है एक ऐप डेटा को इंसर्ट कराना है। ऐप डेटा में SQL सर्वर, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद डेटाबेस को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। उसमें दो टेबल्स होंगे, एक अकाउंट का टेबल होगा, अकाउंट का टेबल होगा, उस अकाउंट के टेबल में यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी। यूज़र की इंफॉर्मेशन को अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो यूज़र की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी कि यूज़र आईडी जो होगी वो प्राइमरी की होने के साथ आइडेंटिटी की भी होगी। आइडेंटिटी की से क्या मुराद है? आइडेंटिटी की से मुराद ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती रहेगी खुद ही, आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम हमारे डेटाबेस में दो टाइप्स के यूज़र मौजूद हैं, एक है एडमिन और एक है यूज़र, मतलब स्टूडेंट। अगर रोल ऑफ यूज़र फॉल्स है, इसका मतलब है कि बंदा एडमिन है, और रोल ऑफ यूज़र अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि बंदा जो है वो स्टूडेंट है। सेकंड थिंग हमारे पास जो है टेबल है वो है अपलोड डेटा का। उसके अंदर पहली चीज़ अपलोड आईडी, जो भी आप अपलोड करेंगे उसकी आईडी, उसका अपलोड डेटा का नाम, डिस्क्रिप्शन, और कहाँ पे आप सेव करा रहे हैं उसका पाथ, ठीक है, ये डेटा वो आपने बनाना है। उसके बाद मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से रन हो रही है हमारी एप्लीकेशन। लॉगिन का पेज मैंने रन किया, मेरे पास दो यूजर नेम और पासवर्ड है। एडमिन वाला मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया तो मैं एडमिन के पेज पे चले गया, admin.aspx पे चले गया मैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाम दे दिया मैंने एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन में मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दी, दिस इज एग्जांपल, ठीक है। अब मैं जैसे ही फाइल को चूज़ कर रहा हूँ, कोई भी फाइल मैंने सेलेक्ट की, ये वाली फाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर ली, अपलोड कर दी, यह फौरन हमें बता देगा कि सक्सेसफुली हमने इंसर्ट कर लिया है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ मैंने इंसर्ट किया है, तो उसके लिए मैं सी पे मैंने क्लिक किया, ये जो फाइल अभी मैंने इंसर्ट की है इंसर्ट हो गई है। अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ अगर किसी फाइल को, तो सिंपल मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट हो गई वो फाइल। अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से एडिट हो जाएगी, क्योंकि पिक्चर एडिट नहीं हो सकती, क्योंकि पिक्चर एडिट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर एडिट का अलग से पोर्शन बनाया है और उसमें एडिट हो रही है, ठीक है। अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं जो है स्टूडेंट का पासवर्ड डालता हूँ, यथिश्राम सिद्दीकी, स्टूडेंट के पैनल पे आ गया मैं, जो मेरे पास पिक्चर्स हैं वो मेरे पास यहाँ शो हो रही हैं, और मेरे जो सेशन का काम था वो भी काम हो रहा है। जिस आईडी से मैं लॉगिन होऊंगा वो आईडी यहाँ शो हो जाएगी। लॉग आउट हो गया, ठीक है।
अगर आप पहले से यूज़र नहीं हैं तो यहाँ से रजिस्टर पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पे आके लॉगिन का काम कर सकते हैं।